Hello guys, how are you? Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, Modern Trading Guys. प्रीवियस वीडियो में आप सभी को मैं ट्रेडिंग के बेसिक्स जो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग समझने में, ट्रेडिंग करने में, ट्रेडिंग का ट्रेंड समझने में, कैंडल पैटर्न समझने में हेल्प करेंगे, ऐसे दो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। आज के ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आज के इस पैटर्न में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, एक ऐसा पैटर्न बताने वाली हूँ जो कि आप ड्रॉ करके ईजिली मार्केट के ट्रेंड को समझ पाएंगे, ब्रेकआउट अच्छे से समझ करके ट्रेड ले पाएंगे और यू नो ट्रेंड को समझ करके नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन सकती है इसको प्रेडिक्ट करके ट्रेड कर पाएंगे। ओके, फाइनली मैं गाइस आज बात करने वाली हूँ ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। हालांकि मैं सारी वीडियोस ऑब्वियसली प्रीवियस टाइम में मैं लेकर के आ चुकी हूँ, आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पिच फॉर क्या है, पिच फैन क्या है, बहुत सारे ऐसे सारे टॉपिक्स में वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ। लेकिन आज मैं अगेन आप सभी को ट्रायंगल पैटर्न इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज जब अगेन मैंने ट्रायंगल पैटर्न अप्लाई करके सेल्फ ट्रेड की उसमें मैंने आज यू नो आप सभी को शो कराऊँ कि $2,730 का मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ था। सो अगेन बस मन हुआ कि आप सभी के साथ मैं अगेन ट्रायंगल पैटर्न स्टडीज शेयर करूं और इसको यूज़ करके आप डेफिनेटली अगर प्रॉफिट अर्न करते हैं तो गाइज यू नो मॉडल ट्रेडिंग को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज वीडियो शुरू करते हैं, ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रेटजी फंडामेंटल क्या है इसके बारे में जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। गाइज मैं आ चुकी हूँ अपने मैकबुक की स्क्रीन पर क्यूरेक्स के लाइव अकाउंट में जिसमें आप सभी को अबव 12,98,908 फॉलर रुपीज 84 रुपीज़ का बैलेंस शो हो रहा होगा, अबव 13 लैक्स लगभग बैलेंस है मेरे, 13 लाख बैलेंस है मेरे अकाउंट में क्यूरेक्स में। ओके, सो गाइज आप सभी को मैं ट्रेड प्रेस करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर फर्स्टली मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप जब जाएंगे तो गाइज यहाँ पर आपको लास्ट में एक ट्रायंगल पैटर्न का इंडिकेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस ट्रायंगल पैटर्न को जब आप अप्लाई करेंगे इसमें गाइस मैं बेसिक चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और केवल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लेते हैं तो यहाँ पर चाहे हमारा आर्क हो, पिच फैन हो, पिच फॉक हो, या फिर ट्रायंगल हो, या आर्क हो, या सर्किल हो, कोई भी ऐसा इंडिकेटर्स जो है हम आप ड्रॉ कर सकते हैं केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर। उसी बेसिस पर मैंने ये ट्रायंगल पैटर्न आज का ड्रॉ किया हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं इसको अगेन मैं एडिट कर लेती हूँ ज़रा सा, ठीक है। सो गाइज मैंने इसको अगेन एडिट कर रही हूँ और बस आपको बस दो सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिला लेना है, ऐसे दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट को मिला लेने हैं। जैसे अगर मैं इस पैटर्न की बात करूँ तो मैंने यहाँ से ट्रायंगल पैटर्न ये स्टार्ट किया गाइज, मैंने जैसे ये इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा ये हुआ हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो ये सपोर्ट पॉइंट वन जिसको हमने लेकर के यहाँ से पैटर्न ड्रॉ किया है, सपोर्ट पॉइंट टू जिसको हमने लेकर के यहाँ पर बेस मान करके पैटर्न पूरी बिल्डिंग ये खड़ी की है, पूरा ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। रेजिस्टेंस का पॉइंट वन ये है, रेजिस्टेंस का पॉइंट टू ये है, इसी के बेसिस पर हमने ये पूरा ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब गाइज यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, पूरा पैरामीटर मार्केट यहाँ पर भी इसी तरह से ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ करके यहाँ पर क्लोज करेगा और यहाँ से हमें एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वो ब्रेकआउट हमारा किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा अपवर्ड या बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड। अब आप देख सकते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला लेकिन मार्केट अंदर अगेन हमारा अगेन ट्रायंगल पैटर्न के अंदर लिमिट में आ गया है। आप देख सकते हैं बड़ी सी कैंडल हमें यहाँ पर एक देखने को मिल रही है, ठीक है। सो अगेन जब आप देखेंगे 10 सेकेंड से हमारे पास एक बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, मार्केट अगेन पैरामीटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मार्केट अभी मूव करते हुए यहाँ पर जाएगा, ये येलो लाइन अभी डाउनवर्ड के लिए खिंचती हुई यहाँ पर आएगी और यहाँ से अगेन थोड़ा सा अपवर्ड जाएगी, अगेन डाउनवर्ड आएगी, देन यहाँ से हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ओके, आप समझ रहे हैं, बस इसी पैटर्न पर दो सपोर्ट पॉइंट और दो रेजिस्टेंस पॉइंट को लेते हुए आपको ट्रेड करनी है। ओके, हमें यहाँ से एक अच्छा पॉइंट मिल रहा था, एक बहुत तगड़ा शो शॉट मिल रहा था गाइज, अगर हम यहाँ से डाउनवर्ड की ट्रेड लेते तो आप देख सकते कितनी बड़ी हमारी रॉकेट विन हो रही है, सुपर YTM हो रही है ये ट्रेड। ओके, सो यही चीज़ें आपको गाइस समझनी है कि दो सपोर्ट पॉइंट और दो रेजिस्टेंस पॉइंट्स को मिला करके आप किसी भी पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न की बात कर रही हूँ और ट्रायंगल पैटर्न जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर ब्रेकआउट से, उसके पैटर्न से, उसके पैरामीटर से आपको एक श्योर शॉट मिलता है।
नेक्स्ट पेंडल आप प्रिडिक्ट कर पाते हो। तो मैंने आपको जैसा कि बोला था कि ये जो है अगेन हमारे इस पैरामीटर में ये आप देख सकते हैं कि वापस हो गई है येलो लाइन, यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए बनती हुई नजर आ रही है। अगेन पैटर्न ये अपवर्ड के लिए जाएगा, तो मैं फर्स्ट ट्रेड के और मार्केट को टेस्ट करने के लिए 70 रुपये की ट्रेड मैंने अपवर्ड की प्रेस कर दी है। ठीक है, सो गाइस देखते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। और मार्केट का टेस्ट पता करने के लिए मैंने केवल अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, 70 रुपये की ट्रेड डाली है। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ गाइज, मैं यहाँ पर अमाउंट अपना फिक्स कर लूँगी 20,000 रुपीज़ की, मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगी। फर्स्टली अगर मैं आज के प्रॉफिट की बात करूँ तो गाइज आप देख सकते हैं 22,879 डॉलर का मैंने आज का बैलेंस अर्न किया हुआ है, लगभग समथिंग 2.5 लाख रुपये मैंने प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया हुआ है। और इसको हम ज़्यादा कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं आप सभी के बीच में लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगी। ओके, सो यू कैन सी मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा मार्केट डाउनवर्ड गया था और ये ट्रेड हमें लॉस आती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन जो कि हमने 70 रुपये की ट्रेड मार्केट का टेस्ट पता करने के लिए अपॉर्ट के लिए डाली थी और यहाँ पर हमें ये ट्रेड बहुत क्लोज विन देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। फिलहाल तो इस ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है गाइज, 5, 4, 3, 2, 1 देन इट्स अ क्लियर आईटीएम। देन मैंने यहाँ पर वन ट्रेड मैंने अपॉर्ट के लिए प्रेस कर दी है। फर्स्ट ट्रेड में मैंने जो 70 रुपये की मैंने मार्केट का टेस्ट पता करने के लिए मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट की थी, वो ट्रेड हमारी क्लियर यहाँ पर आईटीएम हो चुकी है। और यहाँ पर अभी जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है वो गाइज यू नो हमें अभी ड्रैगन फ्लाई टाइप की कैंडल देखने को मिल रही है। जब ड्रैगन फ्लाई कैंडल हमें देखने को मिलती है तो यू कैन सी मैं मार्केट में प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, जब मार्केट में ड्रैगन फ्लाई हमें बनता हुआ नज़र आता है तो मार्केट हमारा अपॉर्ट के लिए जाता है, ड्रैगन अपॉर्ट की तरफ मतलब फ्लाई करने वाला। ओके, और जब हमें ग्रेवस्टोन देखने को मिलता है तो मार्केट हमारा कंटिन्यू डाउनवर्ड जाता है। ग्रेवस्टोन मतलब जो ग्रेव से कनेक्टेड हो, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई मतलब जो ड्रैगन फ्लाई करने वाला हो, उड़ने वाला हो, अपॉर्ट की ओर जाने वाला। ओके, तो बेसिक चीज़ें आप गाइज इनको नोटिस करके चलेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो 20,000 रुपीज़ की मैंने ट्रेड यहाँ पर प्रेस की थी गाइज, यू कैन सी ये ट्रेड हमारी क्लियरली आईटीएम हो चुकी है। और यहाँ पर मैं देख सकते हैं 20,000 रुपीज़ की हमारी ये ट्रेड क्लियरली आईटीएम हो चुकी है। ठीक है, सो अभी मैंने मार्केट का टेस्ट पता करने के लिए आप ट्रेड हिस्ट्री गाइज यू नो देख सकते हैं, $50,000 की मैंने ट्रेड पहले प्रीवियस टाइम में ली थी, क्लियरली आईटीएम है। 70 रुपीज़ की मार्केट का टेस्ट पता करने के लिए ट्रेड ली थी मैंने, वो भी क्लियरली आईटीएम थी। सेकेंड ट्रेड जो हमने ली थी गाइस 20,000 रुपीज़ की, वो भी हमारी क्लियरली आईटीएम है। सो गाइस अगर मैं अपने पैरामीटर की बात करूँ तो गाइस पैरामीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आ जाएगा, शो हो जाएगा, ये पैरामीटर कुछ हमारा शो हो चुका है। और अगेन उसी पैटर्न में मार्केट वापस जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगेन 20 सेकंड्स के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ गाइस अपॉर्ट के लिए। सो यू कैन सी 50 सेकंड्स का वेट करना है, 10 सेकंड्स का वेट करना है, अपॉर्ट के लिए ट्रेड प्रेस करेंगे। ओके, सो अगेन मैं हालांकि हमें यू नो यहाँ पर ग्रेवस्टोन देखने को मिल रहा है लेकिन पैरामीटर के अंदर चुकी है तो यहाँ पर अपॉर्ट का फॉलो करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 20,000 रुपीज़ की अगेन एक ट्रेड और प्रेस की है अपॉर्ट के लिए। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। 50 सेकंड्स अभी है हमारे पास, 50 सेकंड्स का वेट करना है, 45 सेकंड्स का गाइस वेट करेंगे थोड़ा सा, देन अभी डाउनवर्ड आ चुकी है। अलग ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेवस्टोन देखने को मिला था अभी वो अपने यू नो जैसे कैंडल है उसी के अकॉर्डिंग, कैंडल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अभी मार्केट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी गाइज ये डेफिनेटली है कि ये जो येलो एरो है अभी हमें यहाँ पर ये यहाँ से डाउनवर्ड मार्केट जाएगा और यहाँ से कुछ गाइज यू नो ये यहाँ पर ये वाली जो येलो लाइन देख रहे हैं ये यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी, कुछ इस तरह से शेप आएगी डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हमारी डेफिनेटली डाउनवर्ड की बनेगी, इसलिए मैं यहाँ पर दो ट्रेड डाउनवर्ड के लिए प्रेस कर देती हूँ 20,000 रुपीज़ की। 40,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए हैं गाइज डाउनवर्ड के, देखते मैं 55 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास और अभी ट्रेड हमारी क्लोज पॉइंट पर है, 50 सेकंड्स हमारे पास गाइस, 45 सेकंड्स है क्लोज पॉइंट पर है। मार्केट का फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा है और इवनिंग टाइम में 4 PM पर, चूँकि मैं शाम को 4 बजे ट्रेड कर रही हूँ और 4 PM पर गाइस यू नो ऑब्वियसली हमारा मार्केट का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल तो मैंने जो करेंसी पेयर ले रखा है यहाँ पे EUR GBP की बात करूँ 91% का प्रॉफिट रिटर्न मिल रहा है, अभी भी मार्केट क्लोज पॉइंट पर है।
और फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की वजह से मार्केट आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, एक साथ मूव करेगा तो बहुत ज़्यादा अपवर्ड या बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड। फिलहाल अभी विनिंग में आ चुकी है और क्लियरली विन में आ चुकी है। 40,000 रुपीज़ जो हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए थे, ये येलो लाइन यहाँ पर आने वाली है, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पर आ जाएगी। आ गई है गाइज, यू कैन सी, मैंने जो आपको बोला था कि येलो लाइन जो आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो डाउनवर्ड की शो कर रही थी, वो भी मार्केट हमारा कंटिन्यू डाउनवर्ड के लिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर में हमें एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट देखने का मतलब गाइज ये है, यू नो, अगर ब्रेकआउट आपको डाउनवर्ड का मिला है तो ब्रेकआउट गाइज एक तगड़ा शोर शॉट होता है कि मार्केट अभी हमारा कंटिन्यू अभी डाउनवर्ड ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस 0.12, सपोर्ट 0.12 इनको मिलाया, देन यहाँ पर हमें मार्केट का ब्रेकआउट देखने को मिला इस तरह से, कुछ बड़ा सा ब्रेकआउट कंटिन्यू मार्केट डाउनवर्ड का, यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, देन ब्रेकआउट 2 यहाँ पर देखने को मिला। क्लियरली देखने के बाद हमें यहाँ पर बड़ा सा प्रॉफिट गाइज हो चुका है और इसी के बेसिस पर जो हमने ट्रेड ली है आप सभी को क्लियरली समझ में आई होंगी। प्रॉफिट की बात करूँ तो गाइज मैं यहाँ पर 2,800 समथिंग मैंने प्रॉफिट अर्न किया हुआ था, नाउ मैं जो प्रॉफिट में आ चुकी हूँ $3,291 का प्रॉफिट मैं अर्न कर चुकी हूँ। ठीक है, $2,800 मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी पहले अर्न किया था मॉर्निंग में और $400 समथिंग मैंने आप सभी के सामने बनाकर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो गाइस बहुत ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा ये फंडामेंटल, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ट्रायंगल पैटर्न को ड्रॉ करके। बस कुछ नहीं करना है आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 0.1 और 2 को मिला करके पैटर्न ड्रॉ करना है और बस उनके ब्रेकआउट को समझना है और बस गाइस ट्रेड करनी है। ठीक है, तो होप सो गाइज आप सभी को आज का ये यू नो फंडामेंटल अच्छे समझ में आया होगा, स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, अगर अप्लाई करके डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करते हैं तो गाइज इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप अगर चाहते हैं कि ये स्ट्रेटजी आपके फ्रेंड सर्कल तक भी पहुंचे तो गाइज इसको डेफिनेटली अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, बाकी मॉर्निंग ट्रेडिंग के साथ इसी तरह से प्रॉफिट बनाते रहिए, अर्निंग करते रहिए, और गाइज बस अगर क्यूटेक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो फटाफट से बना लीजिए और ज्वाइन कीजिए और सेशंस को फॉलो करके 100% श्योर शॉट गेन कीजिए। ओके, सो गाइस थैंक यू सपोर्ट ऑन मॉर्निंग ट्रेडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।